हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी इन्फो गुरु। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से निकाली गई बम्पर भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, मैं जो है आपके लिए इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ये विज्ञापन संख्या कब निकली है उसके बारे में, तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो निकली है आज ही की डेट में दोस्तों, ये 6/9/2021 को निकली है। दोस्तों कब निकली है दोस्तों? अभी अभी दोस्तों ये अपडेट आया है और मैंने दोस्तों आपके लिए वीडियो जो है प्रोवाइड कराई है। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जो पोस्ट की होने वाली है वो किस चीज़ की होने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं, ग्राम विकास अधिकारी के लिए सीधी भर्ती हेतु 2021। पद का नाम क्या होने वाला है दोस्तों? ग्राम विकास अधिकारी। दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट जो होने वाली हैं आपकी, आप देख सकते हैं 3896 पोस्ट होने वाली हैं। दोस्तों कितनी? 3896 पोस्ट होने वाली हैं। लगभग दोस्तों 4000 के तकरीबन पोस्ट होने वाली हैं। दोस्तों काफ़ी संख्या में जो है पोस्ट हैं दोस्तों। तो आगे मैं बात करूँ कि इसके लिए दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है और एज क्या रहने वाली है उसके बारे में। तो दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट में कि इसके लिए आप किस तरह से और आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देने दूंगा दोस्तों, जहां जाकर आप इसको दोस्तों नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप अच्छे तरह से ये पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों कुछ मिस्टेक ना हो पाए। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके लिए आपकी जो होने वाली है परीक्षा शुल्क क्या होने वाली है, तो दोस्तों इसके लिए आपकी परीक्षा शुल्क 450 रुपये होने वाली है। और दोस्तों जो राजस्थान के नागरिक हैं उनके लिए जो है ओबीसी में उनके लिए होने वाली है 350 और एससी एसटी के लिए 250 होने वाली है। दोस्तों अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। परंतु दोस्तों आप जो काउंट किए जाएंगे वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, किसी भी जो है आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलने वाला है। जैसे ओबीसी या फिर एससी एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो, और अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ जनरल में काउंट किए जाएंगे, आपको जो है आपकी जो है कैटेगरी का जो है बेनिफिट नहीं मिलने वाला है दोस्तों। दोस्तों अगर इसमें बात करें कि एडमिट कार्ड जो आपके होने वाले हैं वो ऑनलाइन ही आपकी ईमेल आईडी पे मैसेज भेज दिया जाएगा, जिससे कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं, आप जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर कोई डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं स्पेशली, तो दोस्तों आप को कोई डिस्ट्रिक्ट पसंद है जहां आप मतलब जॉब लोकेशन चाहते हैं अपनी, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट दे रखी हैं, आप आसानी से पोस्ट देखें वहीं अप्लाई कर दें दोस्तों। दोस्तों आइए बात करते हैं कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है उसके बारे में। तो दोस्तों पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता जो होने वाली, और दोस्तों एक थोड़ा सा इसमें और ऐड किया है इन्होंने दोस्तों, और जो होने वाला है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट्री डिटेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ये दोस्तों आपका जो है या फिर ओ लेवल हो या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट, कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है दोस्तों। और आप इसमें से जो है आपके लिए कई ऑप्शन दे रखे हैं, या फिर ये वाला जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल द्वारा सर्टिफिकेट, या फिर दोस्तों एक और ऑप्शन है आपके पास भारत में कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में डिप्लोमा, या फिर दोस्तों आपको दोस्तों क्या होने वाला है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। और दोस्तों आपके साथ काफ़ी विकल्प हैं आपके पास, सकते हैं आपके पास कोई भी डिप्लोमा है तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तब भी सिंपल सी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बात करूँ दोस्तों कि आपको जो है इसकी जो भर्ती किस आधार पर होने वाली है, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है। दोस्तों इसका जो होने वाला है सिंपल सा रिटर्न एग्जाम होगा आपका, आप रिटर्न एग्जाम में शामिल हों, एग्जाम क्वालिफिकेशन एग्जाम दें दोस्तों। और ग्राम विकास भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप जो मैंने आपको डिप्लोमा दिखाए थे अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, परंतु उन्हें ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, जब आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका तो आपको कंप्लीट जो है अपना डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा। अन्य योग्यताएँ के बारे में दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके लिए अन्य विकल्प भी दे रखा है कि आप जो है आपके लिए क्या और अन्य विकल्प हैं। स्वास्थ्य जो है होना चाहिए आपका नॉर्मली दोस्तों, स्वास्थ्य होना चाहिए,
चरित्र दोस्तों किसी भी तरह का आपके लिए कोई जो है कानून की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो आवेदक जो होना चाहिए दोस्तों 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। दोस्तों आपकी जो एज होने वाली है वो होने वाली है दोस्तों कितनी, 18 से 40 वर्ष होने वाली है दोस्तों। काफ़ी सभी स्टूडेंट्स इस एज के अंदर आ जाएंगे उम्मीद है दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट्स इस भर्ती से वंचित नहीं रह जाएगा। तो सभी जो है कैटेगरी के और सभी एज के दोस्तों आवेदन कर सकते हैं 18 से 40 वाले सभी स्टूडेंट्स दोस्तों। तो इसके लिए आप दोस्तों ध्यान से ज़रूर से आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं तब भी आप दोस्तों आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस इतना याद रखना कि आप जो है दोस्तों जनरल में काउंट किए जाएंगे। और दोस्तों कि आपकी जो है परीक्षा का आयोजन की प्रक्रिया कैसे होने वाली है उसके बारे में, तो ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा केवल जो होने वाली है क्वालिफाइंग नेचर की होने वाली है, यानी आपकी पासिंग नंबर लाने हैं आपके लिए बस, और उसमें कोई मेरिट वगैरह का चक्कर नहीं है। मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए दोस्तों घोषित किए गए अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का मुख्य परीक्षा के बाद उनका अंतिम योग्यता क्रम अवतरित करने के लिए संगणक नहीं की जाएगी। मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले अभ्यर्थी की संख्या इस परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली श्रेणीवार रिक्तियों की कुल संख्या की 15 गुना होगी दोस्तों। जितनी वैकेंसी हैं दोस्तों, कितनी वैकेंसी हैं आपकी, 3896 वैकेंसी हैं, जिसमें कि आपके जो पहले एग्जाम में सभी स्टूडेंट्स बैठेंगे, दूसरे एग्जाम में जो बैठेंगे इस वैकेंसी का 15 गुना स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं। जैसे ये इतनी वैकेंसी है दोस्तों, तो इसका आप 15 से मल्टीप्लाई करके कर दें तो उतने स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपकी जो सेकंड स्टेज की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बैठने वाले हैं स्टूडेंट्स। किंतु उक्त रेंज में उन सभी अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा जो उतने अंक प्राप्त करते हैं जितने कि निम्नत रेंज के लिए निर्गत किए गए हैं। मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन संभवतः माह दिसंबर में होने वाला है दोस्तों। आप एग्जाम डेट देख सकते हैं, जो है अगर सब कुछ ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो दोस्तों आपका एग्जाम दिसंबर में करा लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा का आयोजन जो होगा दोस्तों वो फरवरी में हो जाएगा आपका। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि आपकी एग्जाम डेट दिसंबर में होने वाली है, फर्स्ट जो स्टेज का एग्जाम होने वाला है उसकी। और दोस्तों अगर आपको इस भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा दोस्तों। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है ना तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी तरह की हर भर्ती की अपडेट और दोस्तों एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी खबर है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों जब तक के लिए टेक केयर।